आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब भी 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी कारण रोजाना 200 से ज्यादा लोगों की जानें भी जा रही हैं। वहीं सरकार का टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है। रोज लाखों कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी बताया है कि पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 11,451 नए मामले आए हैं। वहीं 13,204 मरीजों की रिकवरी हुई है और 266 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3.28 करोड़ हो गई है, जिनमें से सक्रिय मामले 1,42,826 हैं और इनके अलावा कुल रिकवरी 33,07,63,104 हो गई है। वहीं कुल मौतें 4,61,057 हुई हैं और वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 1,08,47,23,042 हो चुका है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से बताया गया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए हजारों सैंपल टेस्ट किए गए। इसी के साथ कल तक कुल 60,92,01,294 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुछ देर पहले बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 116 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं और जानकारी के मुताबिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 15.6 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।